ओ भाई खतरनाक यार, खतरनाक। ये तो पहले से भी खतरनाक थी। ये देख लो भाई, ये साइड से भी टूट चुका है थोड़ा बहुत। इस मरगाड़ का तो कुछ बचा ही नहीं यार। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करें हम कुछ ऐसी लोकेशन से। तो आज हम जाने वाले हैं सगलदान। तो एक्चुअल मैंने बहुत टाइम से मैं सगलदान जाना चाहता था, बट बिजी होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो गाइस यहाँ का व्यू चेक करो यार, तो देखो कितनी ऑसम जगह है ये। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे एरिया में ऐसी भी जगह हैं। ओ भाई लीन देखो यार, वाह क्या लीन मारी है भाई ने यार। इस रोड के लिए ना ये वाली लीन भी काफ़ी होती है यार। पिछले कुछ दिनों से ना मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है, तो कभी फीवर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अगर हेल्थ का ऐसा इशू चलता रहा तो मे भी लद्दाख राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं लद्दाख राइड कैंसिल करूं, क्योंकि पहली बार मैंने प्लान कर रहा है कि हम लद्दाख चलेंगे। तो आगे पहाड़ों का व्यू चेक करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने अच्छे अच्छे व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और आप लोग फिर भी यार वीडियो को शेयर कमेंट नहीं करते। पता नहीं क्या नाराजगी है तुम लोगों को यार। तो यहाँ पे हमें एक भाई मिल चुका है, अपने एरिया का भाई है। तो ये यहाँ पे मिल गया मुझे, तो बोलने लगा मैं भी चलूंगा राइड पे। इसको ना बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो मेरे साथ ना ब्लॉगिंग वगैरह करता है। तो यहाँ का व्यू चेक करो यार, यहाँ के बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही देखो यार कितनी औसम जगह है। यहाँ पे तो एक से एक बढ़िया जगह है यार, बट ये ना हमारी गलती है यार कि हम लोग ना आप लोगों को एक एक जगह दिखा नहीं पाते। तो अभी ना बजट की वजह से हम घर से ज्यादा बाहर निकलते नहीं है, अपने घर के आसपास ही राइड करते हैं, तो हम आप लोगों को ये जगह दिखा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हमारे पास ना ज्यादा पैसे वैसे नहीं होते। तो अभी पेमेंट वगैरह भी कुछ नहीं आ रही है, तो अगर पेमेंट वगैरह आती तो शायद हम लोग इन जगहों को अच्छे से दिखा पाते, बट पैसा नहीं है भाई। पैसे की वजह से ना हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। ओ भाई ये क्या कर रहा है यार? तो बड़ी मुश्किल से ना अपनी बाइकों का तेल खर्चा वगैरह निकालते हैं, वो भी घर वालों से डेली मांगना पड़ता है, और घर वाले भी डेली देते नहीं यार। ये तो सब लोगों को पता ही है कि घर वाले डेली पैसा देते नहीं है, बट कोई ना अभी मेहनत जारी है, एक दिन अपना पैसा कमाएंगे और उसके बाद ना आप लोगों को हर जगह दिखाऊंगा मैं। बट अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। पिछले 2-3 वीडियो मेरी बहुत अच्छी चल रही है, तो आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, तो बहुत बहुत ज्यादा दिल से थैंक्स। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो, बहुत जल्दी हमारा 4000 वॉचवर जो है कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद भी हमारे हाथ में अपनी मेहनत की पेमेंट आ जाएगी। तो उसके बाद ना हम आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत अगर है तो सिर्फ पैसा है, अगर पैसा आएगा तो उसके बाद तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी रोड थोड़ा सा बेटर आ गया, तो भाई को एक व्हीली या स्टॉपी के लिए बोलेंगे, थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे हम और आप लोगों को भी दिखाएंगे। यहाँ पे लेन चेक करो भाई की यार। ओ ओ ओ ओ ओ भाई ये क्या कर रहा है यार? बड़ी खतरनाक लीन मार रहा है यार ये। ओ ओ भाई, ओ भाई खतरनाक यार, खतरनाक। क्या सही मारी है यार स्टॉपी, बहुत खतरनाक यार। ओ भाई लीन देखो यार, अब भाई मुझे फोर्स कर रहा है कि तू भी बाइक दौड़ा। ये भाई तू दौड़ा रहा है यार। ओ भाई खतरनाक यार, खतरनाक। ये तो पहले से भी खतरनाक थी। तो यहाँ पे रोड खत्म हो जाता है भाई, यहाँ से आके ना स्टॉपी वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी शायद। ओ भाई ये कहाँ जा रहा है यार? देखो यार कितने बेवकूफ़ ड्राइवर है यार, देखो कहाँ से जा रहा है। इस गाड़ी में देखो 7% अलाउड होता है, बट भाई ने तो 7 तो छोड़ो, भाई ने मुझे लगता है 14-15 बंदे बैठाए, और साथ में ना एक ड्राइवर भी बैठा दिया है। हद करते हैं यार ये लोग। तो ऑफ रोड शुरू हो चुका है भाई, अब इन राइडरों ने हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस तो रोकेगी भाई। आप हेलमेट वगैरह सब कुछ पहनो तो कोई भी नहीं रोकेगा आपको, बट ये दो बंदे बैठे हैं और दोनों के पास हेलमेट नहीं है, तो पुलिस तो रोकेगी भाई आपको। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सगलदान एरिया में, तो आज मुझे लगता है कि हम कुछ जल्दी पहुंच गए। वैसे तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, बट मुझे आज लगता है कि मैं 10-15 मिनट से पहले ही यहाँ पे पहुंच गया। तो देख रहे हो कितना कबाड़ा वबाड़ा जमा करके और इस कबाड़े को बाहर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ना रेलवे स्टेशन बनने वाला है, तो यहाँ पे भी ट्रेन वगैरह चलेगी। तो हम लोग के लिए तो ये एक सपना ही था, बट कोई ना अब जल्दी पूरा होने वाला है ये सपना। तो यहाँ पे रुकते हैं, तो हमारे कुछ भाई पीछे रह चुके हैं, तो यहाँ पे वेट करते हैं उनका, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो स्पीड ब्रेकर देखो भाई,
ओ भाई ये क्या कर रहा है यार, पब्लिक एरिया में इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा है ये। हाँ ये गलत बात, ये गलत बात है भाई। तो फिलहाल ऑफ रोड शुरू हो चुका है भाई, उतना खतरनाक ऑफ रोड है नहीं बट थोड़ा सा तो ऑफ रोड ही जैसा है। मैं तो इस जगह पे पहली बार आया हूँ और अब ट्रक वाला चाचा पूरा गड्ढा हमारे ऊपर फेंक दिए भाई। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे। मैं ना काफी सालों के बाद इस जगह पे आया हूँ और इस जगह का व्यू चेक करो यार, और इतने सालों में तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया है भाई। छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर भाई बहुत तंग कर रहे हैं यार। तो फिलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे, तो यहाँ पे एक भाई के पास जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम है। शिट भाई नुकसान हो गया यार, बाइक क्रैश होगी। ये देख रहे हो ये मरगार्ड जो है पूरा टूट चुका है। ये देख रहे हो यहाँ से हेडलाइट भी टूट चुकी है। हेडलाइट तो टूटी नहीं है बट इसके नीचे जो है ये सब टूट चुका है। ये देख रहे हो भाई ये साइड से भी टूट चुका है थोड़ा बहुत। ये देख रहे हो ये भी टूट चुका है पूरा। और ये देखो यार हेडलाइट ये भी टूट चुकी है। इस मरगार्ड का तो कुछ बचा ही नहीं यार। आज मैंने पहली बार स्टॉपी ट्राई की थी और पहली बार ये सीन हो गया। सोचा नहीं था कभी यार ये मेरे साथ होगा। तो अब इसको जम्मू लेना पड़ेगा और इंश्योरेंस में इसको ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 4-5 हज़ार का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। अभी ना मैं बहुत अपसेट हो चुका हूँ, तो फिलहाल अभी यहाँ से सीधा घर निकलते हैं, तो देखते क्या सीन रहता है।